दोस्तों, केन भी विसरा की तरह ही अपने WWE के करियर में कई अजीबोगरीब कारनामे कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं केन के WWE में 10 फनी और OMG मोमेंट्स के बारे में। नंबर 10, केन प्रेग्नेंट लीटा। दोस्तों, ये बात है साल 2004 की, जहां केन लीटा के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो उन्हें काफी पसंद थी और वो चाहते थे कि जिस तरह से वो लीटा से प्यार करते हैं, वैसे ही लीटा भी उनसे प्यार करे। इसलिए केन ने जमकर लीटा का पीछा करना शुरू कर दिया था। 21 जून 2004 के मंडे नाइट रॉ में लीटा अपने बॉयफ्रेंड मैट हार्डी को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर हार्डी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद लीटा और हार्डी के बीच एक सेगमेंट होता है जिसमें मैट हार्डी लीटा को प्रपोज कर देते हैं। यहाँ लीटा हाँ कहने ही वाली थी कि इतने में केन की आवाज सुनाई दी। फिर केन ने बताया कि लीटा के पेट में जो बच्चा है वो मैट हार्डी का नहीं बल्कि खुद केन का ही है। ये सुनकर मैट हैरान रह जाते हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, पर बाद में जब लीटा उनसे खुद कहती है कि बच्चा केन का हो सकता है क्योंकि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, तो इसके जवाब में मैट हार्डी रोते हुए कहते हैं कि लीटा, केन ने भी तुम्हारे साथ गपागप कर लिया और तुमने मुझे बताया नहीं। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इसके अगले हफ्ते केन के मैच के दौरान मैट हार्डी उन पर हमला कर देते हैं। केन के सामने उनकी हवा निकल जाती है और वो फटे टायर की तरह फुस हो जाते हैं। फिर लीटा वहां आती है और मजबूरी में अपने प्रेमी मैट को बचाने के लिए रोते हुए केन से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। नंबर 9, लीटा अटैक्स केन्स नुन्नू। दोस्तों, ये स्टोरी लाइन के दौरान जब रॉ में केन ने एक मैच जीता तो लीटा वहां आ गई और उन्होंने केन के हाथ थाम कर एक विजेता की तरह उसे ऊंचा किया। ये सब देखकर केन काफी खुश हो जाते हैं, पर अचानक से जब वो पलटे तो लीटा ने उन्हें लो ब्लो देकर उन पर वर्ल्ड टाइटल से हमला करने की कोशिश की, पर केन ने एक हाथ से उसका गला पकड़कर उन्हें उठा लिया। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वो लीटा को नीचे उतार देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि लीटा के पेट में उनका बच्चा है, इसलिए केन ने उन्हें नीचे नहीं फेंका। शायद उनके लिए नुन्नू से ज्यादा जरूरी उनका बच्चा था। नंबर 8, केन लीटा रोमांटिक मैरिज। 15 अगस्त को हुए समर स्लैम PPV में केन और मैट हार्डी का मैच होता है। इस मैच को जीतने वाला रेसलर लीटा से शादी करने वाला था और केन फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं। फिर 23 अगस्त 2004 के रॉ में केन और लीटा की शादी हुई। यहाँ साफ पता चल रहा था कि लीटा इस शादी से खुश नहीं है। यहाँ भी अचानक से मैट हार्डी शादी के बीच में ही केन पर अटैक कर देते हैं। हार्डी केन के कपड़े फाड़ते, उससे पहले ही केन ने उन्हें फाड़ दिया और एंड में उन्हें एंट्रेंस स्टेज के पास रखी टेबल पर चॉक स्लैम दे मारा। इसके बाद केन जल्दी से सबके सामने लीटा से शादी कर लेते हैं और फिर प्रेम करते हैं। इसके बाद केन कई बार लीटा को जबरदस्ती किस करने के लिए कहते हैं। इस वजह से लीटा को मजबूरी में ही सही पर केन को कई बार किस करना पड़ता है। नंबर 7, केन एंड लीटाज बेबी डेथ। दोस्तों, 13 सितंबर 2004 के रॉ में स्निट्स्की केन पर स्टील चेयर से वार करते हैं, जिस वजह से केन लीटा के ऊपर गिर जाते हैं और लीटा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां बताया जाता है कि लीटा और केन का बच्चा अब नहीं रहा। इस वजह से केन पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि स्निट्स्की, तेरी मौत आ रही है। इस हादसे के बाद लीटा भी केन से प्यार करने लगती है। फाइनली 31 जनवरी 2005 को केन ने स्निट्स्की को स्टील केज के अंदर सबक सिखाया, जहां अंत में केन ने पहले तो स्निट्स्की के नुन्नु और अखरोटों को चूर चूर कर दिया ताकि वो नुन्नु का उपयोग न कर सके। फिर स्निट्स्की को स्टील केज के गेट पर चॉक स्लैम मार कर केन ने पिनफॉल के जरिए मैच जीत लिया था। इस तरह से बड़ी मशक्कत के बाद केन ने स्निट्स्की जैसे ताकतवर और हट्टे कट्टे रेसलर को हरा कर अपना बदला पूरा किया था। नंबर 6, AJ Lee किसेस केन।
11 जनवरी 2012 के मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस केन एंड डेनियल ब्रायन के बीच एक टैग टीम मैच हुआ था, जहां सिंपल सी बात थी कि ये मैच सीएम पंक के लिए एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच जैसा था, पर अचानक से पंक से टैग लेकर एजे ली रिंग में आई और वो केन के आसपास चक्कर काटने लगी और केन के ऊपर लटक गई, जिस वजह से केन पिघलकर अपना होश खो बैठे और एजे ली ने उन्हें एक लंबा किस दे दिया। शर्म के मारे केन को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इस वजह से ब्रायन को टैग देकर वो रिंग छोड़कर चले गए, जिसका फायदा उठाकर WWE चैंपियन सीएम पंक ने डेनियल ब्रायन को पिनफॉल के जरिए हराकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। नंबर 5, केन किसेस एजे ली बैकस्टेज। दोस्तों, ये बात साल 2012 के 9वें आउट पीपीवी की है, जिसमें एजे ली बैकस्टेज पहुंचती है, वहां केन भी मौजूद होते हैं, पर जैसे ही एजे केन के पास पहुंचकर उन्हें उनके मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक कहकर उनके मास्क पर हल्का सा किस करके जाने लगी, तो केन ने उन्हें पकड़ा और जमकर उनके होठों पर एक लंबा किस कर डाला। इसके बाद एजे अपना होश खो बैठी थी ये सोचकर कि केन तो मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। नंबर 4, केन किसेस टेरी। 23 सितंबर 2002 के मंडे नाइट रॉ में टेरी WWE टैग टीम चैंपियंस हरिकेन और केन का इंटरव्यू लेती हैं, जहां टेरी उन दोनों को मैच और टाइटल जीतने के लिए बधाई देती हैं। हरिकेन अंत में कहते हैं, चलो केन जश्न मनाने चले, पर केन ने कहा, रुको जरा सब्र करो। अचानक से केन ने टेरी को पकड़ा और जमकर किस कर डाला। इसके बाद केन चिल्लाते हैं और कहते हैं, चलो हरिकेन अब सेलिब्रेट करने चलते हैं। नंबर 3, लीटा किसेस केन बैकस्टेज। दोस्तों, साल 2005 में केन ने विसरा और ट्रिश स्ट्रेटस के खिलाफ लीटा का साथ दिया था, इस वजह से केन को समय समय पर उनका तोहफा मिलता रहता था। इसी तरह बैकस्टेज सेगमेंट में लीटा केन को धन्यवाद करती है, फिर उनकी टकली पर हाथ रखकर उसे सहलाती है। केन लीटा को सूंघते हैं और ये दोनों किस कर लेते हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। नंबर 2, लीटा एंड केन रोमांस। 9 मई 2005 के रॉ में केन और लीटा का एक और बैकस्टेज सेगमेंट होता है, जहां पहले लीटा विसरा की बात करती है, पर केन कहते हैं कि मैं बस हम दोनों की परवाह करता हूं बाबू, और उठकर लीटा को कस कर पकड़ लेते हैं। फिर केन लीटा को चुप कराकर कहते हैं कि हमारी शादी को 9 महीने हो गए हैं, अब ट्रिश स्ट्रेटस जा चुकी है और मैं जल्द ही वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा। इनकी बातें चलती रहती है और फिर से एक बार केन लीटा को कस कर पकड़ते हैं और किस कर देते हैं। नंबर 1, लीटा चीटेड केन। दोस्तों, साल 2005 के मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में केन और एज के बीच गोल्ड रश टूर्नामेंट का फाइनल होता है। मैच के अंतिम पलों में एज केन को धक्का देकर उन्हें रेफरी में ठोक देते हैं, इस वजह से रेफरी बेहोश हो जाता है। इस दौरान एज केन को स्पीयर मारकर अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से केन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर कामयाब नहीं होते। फिर लीटा उसी ब्रीफकेस को ले लेती है। केन हंसने लगते हैं। अचानक से जब केन टॉप रोप पर चढ़े, लीटा ने एज को वो ब्रीफकेस दे दिया और फिर केन का ध्यान भी भटकाया। एज ने इसका फायदा उठाया और जैसे ही केन ने जंप किया, वैसे ही उन्होंने ब्रीफकेस से केन पर हमला करके उन्हें पिनफॉल के जरिए मैच में हरा दिया। मैच के बाद लीटा सीधा जाकर एज पर लटक जाती है। इस तरह से लीटा अपने ही पति केन को धोखा देकर उन्हें वर्ल्ड टाइटल पिक्चर से बाहर करवा देती है। फिर जब केन को होश आया तो उनकी आंखों के सामने एज और लीटा ने किस कर लिया। यहाँ केन को समझ नहीं आ रहा था कि लीटा ने उनके साथ खेल खेला है और उनका तगड़े तरीके से काटा गया है। इसके बाद केन ने एज और लीटा को खूब परेशान किया। इससे हमें सीख मिलती है, लड़की का चक्कर बड़ा भयंकर होता है यारो। तो दोस्तों, केन के इन 10 मोमेंट्स में से आपको सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।